यह श्लोक थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। अपुत्रो लभते पुत्रम, निर्धनो लभते धनम। निर्धन को पैसा मिलता है, धन मिलता है, दुकान कारोबार उसका चलता है। भार्यार्थी लभते भार्या, जिनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पत्नी का, माँ का, पति का, पुत्र का, वृद्ध का, किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो आप कटोरी में घृत लीजिए, कटोरी में आप घी लें और उसमें थोड़ा खसखस डालें, बाजार में थोड़ा खसखस डालें, गणेश जी के ऊपर उसमें से आप 21 बूंदें गणेश जी के ऊपर टपकाएं, जो घी बच जाए पीपल की लकड़ी के ऊपर ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र से उस घी को यज्ञ की आहुति में डाल दें, भगवान की कृपा से रोगी निरोगी हो जाएगा, उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, घर में कोई भी बीमार है, कोई भी रुग्ण है, तो आप एक कटोरी में घृत लीजिए, गौ माता का घी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है, घी लीजिए उसमें खसखस डालिए, जो रोग निवारक होता है खसखस, बाजार में मिलता है वो आप लीजिए, उसमें से 21 चम्मच आप गणेश जी के ऊपर डाल करके अभिषेक करें, जो घी इकट्ठा होगा उसे आप जोत जलाएं, उसको खाने पीने के काम में न लें, पूजा के काम में लें, और कटोरी में जो घृत बच गया है वह घी पीपल की लकड़ियों के ऊपर ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा आप वह पूरा का पूरा घृत यज्ञ में समर्पित कर दीजिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। यह उपाय आप शनिवार के दिन कीजिए, शनिवार के दिन। किसी को गरीबी बड़ी है, दरिद्रता बड़ी है, तो खसखस की जगह पर उसमें कमल गट्टा डाला जाता है, उसमें भी ऐसे ही 21 चम्मच अभिषेक में गणेश जी के ऊपर डाला जाता है, जो बचता है उससे ओम गम गणपतये नमः हवन में आहुति यज्ञ में, लेकिन इसमें पीपल की लकड़ी नहीं, इसमें आम की लकड़ी होती है, और यह आप बुधवार के दिन, बुध के दिन, बुधवार के दिन भगवान प्रभु श्री गणेश जी का के नाम से आप यह हवन, यह यज्ञ कीजिए, कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है अपने आप में। यही दिन आ रहे हैं और गणेश उत्सव के दिनों में तो जिस दिन भी आप करते हैं बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा, पूरा जितने दिन गणेश उत्सव मनाया जाए जोत जलाना, 21 चम्मच से उनका अभिषेक करना, इकट्ठे होने वाले उस घी से आप उसको जोत के काम में लेना, भगवान गणेश सब